दोस्तों आज हम इस वीडियो में राम जन्मभूमि निर्माण के वर्तमान स्थिति और आगे आने वाले कार्य क्या क्या होने वाले इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश गुप्ता, आप सभी का स्वागत है श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों राम मंदिर नींव के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत नींव के ऊपर मजबूती सतह यानी राब की ढलाई की जा रही है। राब की ढलाई में प्रतिदिन 287 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है। ढलाई का काम केवल रात में 26 डिग्री सेल्सियस पर किया जा रहा है ताकि तापमान नियंत्रण रहे और आगे चलकर राब में दरार न आए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार राफ्ट की ढलाई का काम अक्टूबर माह में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है, इसलिए हर रोज 10 घंटे लगातार कार्य किया जा रहा है। राम मंदिर की नींव के ऊपर 1.5 मीटर ऊंची राफ्ट की ढलाई की जा रही है। 400x300 लंबे चौड़े क्षेत्रफल में राफ्ट की ढलाई 15 भागों में की जाएगी। पहले इसे 287 घन मीटर कंक्रीट में ढाला गया है। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में 240 मशीनों लगाई गई है, इन्हें बूम लेसर भी कहते हैं। यह गर्भगृह के पास लगाई गई है, यहाँ कंक्रीट ढालने का काम करता है। तापमान को नियंत्रण करने के लिए बड़ी मात्रा में बर्फ की व्यवस्था की गई है। एक हिस्से में ढलाई करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे हिस्से में ढलाई की जाती है। राब की ढलाई आरटीआई विशेषज्ञों की बताई गई तकनीकी के आधार पर की जा रही है। राब की ढलाई के बाद मिर्जापुर के पत्थरों से क्लिफ्ट का निर्माण होगा। इसके बाह्य आवरण में बेंगलुरु की ग्रेनाइट की 3 लेयर बिछाई जाएगी। एक लेयर में ग्रे कलर की ग्रेनाइट करीब 30 मीट्रिक टन लगेगी। दोस्तों निर्माण के लिए सामग्री आने की वजह से ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को काफिला दिन भर मुख्य मार्ग पर राम जन्मभूमि परिसर के गेट नंबर 3 पर लगा रहता है। इसको देखते हुए मुख्य मार्ग पर सटे आरा मशीन के बगल से राम जन्मभूमि परिसर के लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। यह जल्द ही मार्ग खोल दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गर्भगृह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे राब की ढलाई का कार्य 1 अक्टूबर से शुरू हो गया। यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 15 नवंबर तक नींव के ऊपर राब के निर्माण का कार्य हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद विद्यवासिनी धाम मिर्जापुर के लाल बालुई पत्थरों से मंदिर का फर्श प्लंथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में राम मंदिर का फर्श का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उसके ऊपर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सेट स्टोन पत्थरों से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस समय राम मंदिर निर्माण का काम रात्रि के कम तापमान के बीच किया जा रहा है। इसमें 1.5 मीटर मोटी राब की ढलाई और निर्माण कार्य किया जा रहा है। 17 ब्लॉकों को भरने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर के प्लिप्त एक मजबूत चट्टान बनाई जाएगी। उसे चट्टान के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 50 फीट गहरी 400x300 लंबी चौड़ी नींव को इंजीनियर फील्ड मटेरियल से भरने का कार्य किया गया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले चरण का कार्य पूरा किया गया है, अब दूसरे चरण में राब के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि मंदिर निर्माण अपने समय से तेजी गति से किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राम मंदिर निर्माण कार्य कर लिया जाएगा। अब भगवान राम अपने मूल स्थान गर्भगृह में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक राम मंदिर निर्माण को पूरा किए जाने या भगवान राम को मूल गर्भगृह विराजमान किए जाने की डेडलाइन तय की है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और अयोध्या की सभी डेवलपमेंट के वीडियो श्री अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सियाराम जी की।